तहसील पुलिस थाने में सन 2020 में एक 376 बलात्कार का अपराध दाखिल हुआ था। सेक्शन 376 टू सेक्शन पॉक्सो एक्ट कलम 4, 6, 8, 10 एंड 21 अपराध क्रमांक 628/2020। इसमें तपास अधिकारी PSI राठौड़ थे। उन्होंने पूरा केस का तपास इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के बाद में माननीय कोर्ट में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। उसका कोर्ट केस नंबर 36/2021। इसमें सरकारी वकील हमारे रश्मि खापरडेकर मैडम, इन्होंने काम देखा और हमारे कोर्ट कारकुन कयूम और हमारी पूरी टीम इसमें पूरा साक्षी पुरावा को साथ में लेके काम किया। इसमें आज माननीय न्यायालय स्पेशल कोर्ट पॉक्सो, इन्होंने इस पूरा केस की सुनवाई होने के बाद में आज उनका जजमेंट दिया। इसमें का जो मेन आरोपी था वो मोहम्मद इमरान अंसारी, इसको कोर्ट ने डबल लाइफ इंप्रिजनमेंट की शिक्षा सुनाई है। इसके बावजूद जो अलग अलग सेक्शन है उसमें 3 साल और 5 साल, उसके बावजूद अलग सेक्शन में 3 साल, ऐसी सबसे बढ़िया शिक्षा सुनाई है। इसमें जो को एक्यूज थे शमसुद्दीन अंसारी, शाहिना अंसारी, नूरजहां अंसारी, इनको कोर्ट ने 5,000 रुपीज़ का फाइन और दिन भर कोर्ट में बैठने की शिक्षा सुनाई है। इसमें हमारे सरकारी PP मैडम, इन्होंने बहुत अच्छा तरीके से कोर्ट के सामने पूरे एविडेंस को पेश किया और जो IO था उन्होंने भी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके पुरावे के साथ में कोर्ट में ये सब पुरावे पेश करने के बाद में ऑनरेबल कोर्ट ने ये अच्छा शिक्षा सुनाई है। इसमें एक खास बात यह है कि ये जो आरोपी है ये वो जो विक्टिम है इनका सगा बाप था, सगा पिताजी था, क्योंकि समाज में हम देखते हैं कि पिताजी का महत्व जो उनके बच्ची के लिए बहुत बड़ा होता है, मगर ये समाज में एक बड़ा कलंक लग रहा है कि ऐसा कोई बाप है कि जो अपने सगे बच्चों के साथ में ऐसी हरकत कर रहा है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो शिक्षा सुनाई इससे समाज में बहुत बड़ा अच्छा संदेश जाएगा कि ऐसा घृणीय हरकत करने वाले के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और समाज में हम लोगों से अपील करते हैं कि ऐसा कभी भी कोई आपके आजू बाजू में आपके रिलेशन में ऐसा कभी कोई घटना घटती है तो तत्काल पुलिस के सामने जाके उनका कंप्लेंट करके ऐसा आरोपी अपराधियों को सख्त से सख्त सजा करें। आज माननीय न्यायाधीश OP जायसवाल सर, जो पॉक्सो कोर्ट के फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश है, इन्होंने आज एक निकाल जाहिर किया जिसमें सगे पिता ये आरोपी थे जिन्होंने अपनी दो बच्चियों पे लगातार बलात्कार किया और सन 2020 में तहसील पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ। इसमें दोनों बच्चियों के जो रिलेटिव्स थे जिसमें उनके चाचा चाची और एक उनकी सौतेली माँ थी, उसको भी आरोपी बनाया गया था पुलिस की ओर से और उनके खिलाफ भी गुना साबित हुआ है। सेक्शन 4 जो है पॉक्सो का, उसके अंतर्गत उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है। सेक्शन 6 के अंतर्गत आरोपी नंबर 1 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है। उसके अलावा सेक्शन 8 है पॉक्सो का, उसमें 3 साल, सेक्शन 10 है उसमें 5 साल और बाकी 3 आरोपियों को जो है 5,000 रुपये फाइन और दिन भर कोर्ट में रहने की, जो बैठ के रहने की शिक्षा दी है वो सेक्शन 21 ऑफ पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दी है। और ये जो सारी शिक्षाएँ हैं एक साथ ही सारी शिक्षाएँ चलेगी।